गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट लेसन 6, द फूड वी ईट। मतलब आज हम इस चैप्टर में जो भी खाना हम खाते हैं उसके बारे में देखने वाले हैं। वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। हम बहुत सारे अलग अलग तरह के फूड खाते हैं, खाना खाते हैं। फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। ठीक है, जो फूड है वो हमें खेलने और काम करने के लिए एनर्जी देते हैं। सम फूड हेल्प्स अस टू ग्रो, सम प्रोवाइड अस एनर्जी, व्हाइल सम प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेस। ठीक है, कुछ फूड जो है हमें हमारी बॉडी ग्रो करने में हेल्प करते हैं, कुछ हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वहीं कुछ जो फ्रूट्स होते हैं, फूड होते हैं, वो हमें बीमारियों से भी बचाते हैं। ठीक है, तो जिसे हम बोलते हैं ना इम्यूनिटी बूस्टर फूड, है ना, अभी जो कोरोना में सब लोग खाने बोलते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, है ना, विटामिन सी वाला फूड खाइए, तो इससे क्या होता है कि इम्यून पावर बढ़ता है और इससे हमें कोई भी डिसीजेस नहीं होती। ठीक है, फूड कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। फूड में क्या क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, ठीक है, विटामिन होते हैं और बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं। दीज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, और इन्हें ही हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। वी नीड न्यूट्रिएंट्स टू स्टे फिट एंड हेल्दी। ठीक है, और हमें न्यूट्रिएंट्स क्यों चाहिए होता है? अपने बॉडी को फिट और हेल्दी रखने के लिए। द काइंड ऑफ फूड वी ईट डिपेंड्स ऑन वेयर वी लिव एंड द वेदर और क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। ठीक है, तो जो भी फूड हम खाते हैं वो किस पर डिपेंड करता है? हम जिस जगह पर रहते हैं और जैसा मौसम होता है, ठीक है, हमारी प्लेस का, उस पर डिपेंड करता है। अब देखो, हम यहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं? भिलाई में रहते हैं। ठीक है, तो भिलाई का जो वेदर है वो मतलब ऑलमोस्ट सेम नहीं रहता है। ठीक है, मतलब ठंड भी अच्छी पड़ती है, गर्मी भी उतनी ठीक उतनी ज़्यादा नहीं पड़ती है, और बारिश भी ठीक ठाक ही होती है। ठीक है, और ये कैसा एरिया होता है? ये प्लेन एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे सभी तरह के फूड आपको, सभी तरह के वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ठीक है, ग्रेन्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो हम सभी तरह का फूड खा सकते हैं। लेकिन वहीं अगर बात करें हम कि माउंटेन एरिया की, तो वहाँ पे बहुत सारे ग्रेन्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, वेजिटेबल्स भी बहुत सारे नहीं मिलते और ना ही फ्रूट्स मिलते हैं। ठीक है, तो उनको लिमिटेड फूड ही अवेलेबल होता है, और साथ ही वहाँ का जो वेदर होता है वो भी एक जैसा रहता है। अगर बरसात हो रही है तो बरसात ही होती रहती है। ठीक है, ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, और गर्मी जो है वो भी जितना हमको सन हीट चाहिए उतना नहीं मिल पाता। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों पे डिपेंड करता है जो भी फूड हम खाते हैं। अगर मिलेगा ही नहीं तो हम खाएंगे कहाँ से? ठीक है, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल दैट आर फाउंड अराउंड अस। ठीक है, और किस पर डिपेंड करता है? कि हमारे आसपास कौन कौन से एनिमल्स और प्लांट मिलते हैं। ठीक है, जो प्लांट अवेलेबल होंगे उनके फ्रूट्स ही हम खा पाएंगे ना। ठीक है, और एनिमल मतलब जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? नॉन वेज लेते हैं, जैसे चिकन हो गया, ठीक है, और क्या, फिश हो गया, और क्या खाते हैं, गोट भी खाते हैं ना कई लोग। ठीक है, तो मिलेगा ही नहीं तो खाएंगे कैसे? तो फूड मेनली डिपेंड करता है हमारे क्लाइमेट पे, हमारे लिविंग एरिया पे, और हमारे आसपास जो अवेलेबिलिटी होती है रिसोर्सेज की। ठीक है, द टू मेन सोर्सेज ऑफ फूड दैट वी ईट आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो जो फूड के दो सोर्सेज हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं? प्लांट और एनिमल। प्लांट्स एज सोर्स ऑफ फूड। अब हम देखेंगे प्लांट से हमें फूड कैसे मिलता है। प्लांट आर द मेजर सोर्स ऑफ फूड फॉर अस। ठीक है, प्लांट जो है वो सबसे बड़ा सोर्स है हमारे फूड का। प्लांट के बिना हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। वी ईट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वेरियस प्लांट्स लाइक लीव्स, स्टेम्स, रूट्स, फ्लावर्स, सीड्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, तो प्लांट के बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स हैं जिन्हें हम फूड की तरह खाते हैं, जैसे उसकी पत्तियाँ हो गई, उसके तने हो गए, उसकी जड़ें हो गई, ठीक है, उसके फ्लावर्स हो गए, उसकी सीड्स हो गए, और उसके फ्रूट्स भी। सम ऑफ द कॉमनली ईटन प्लांट प्रोडक्ट्स आर द फॉलोइंग। ठीक है, तो जो कुछ कॉमन प्लांट प्रोडक्ट हैं वो क्या क्या हैं? फर्स्ट इज़ रूट। ठीक है, तो रूट फॉर्म में हम क्या क्या खाते हैं? बीट रूट, टर्निप, कैरेट और रेडिश। ठीक है, स्टेम फॉर्म में हम क्या क्या खाते हैं? शुगर कैन, पोटैटो, स्वीट पोटैटो एंड जिंजर। लीव्स फॉर्म में क्या क्या खाते हैं? स्पिनेच, कैबेज, मिंट और कैलरी। फ्रूट्स फॉर्म में क्या क्या खाते हैं? मैंगो, एप्पल, बनाना और ऑरेंज। फ्लावर्स फॉर्म में क्या क्या खाते हैं? कॉलीफ्लावर और ब्रोकली। सीड्स फॉर्म में क्या खाते हैं? वीट, राइस, बाजरा, ज्वार, ठीक है, कॉफ़ी, चॉकलेट, ये सारे भी फॉर्म ऑफ सीड्स होते हैं। ठीक है, नाउ वी ऑल्सो ईट नट्स और ड्राई फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स दैट ऑलमंड्स, लाइक ऑलमंड्स, पिस
पिस्ता एंड वॉलनट्स, ठीक है। और हम ड्राई फ्रूट्स भी खाते हैं जैसे बादाम, पिस्ता और वॉलनट मतलब अखरोट। द ऑयल यूज फॉर कुकिंग सच एज मस्टर्ड ऑयल, सिसम ऑयल एंड ग्राउंड सीड्स ऑयल इज ऑल्सो मेड फ्रॉम द सीड्स ऑफ सम प्लांट्स, ठीक है। और जो हम ऑयल खाते हैं, ठीक है, खाना जिससे बनता है, वो सारे ऑयल्स भी हमें किससे मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। सम प्लांट्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन सच एज नीम, तुलसी एंड एलोवेरा। और कुछ प्लांट्स जो हैं उससे हम मेडिसिन भी बनाते हैं, ठीक है, जैसे तुलसी प्लांट, नीम प्लांट और एलोवेरा प्लांट। टू मेक अवर बॉडी टेस्टी वी एड स्पाइसेस लाइक रेड चिलीज, कमिन सीड्स, कोरिएंडर सीड्स एंड ब्लैक पेपर, वी गेट दीज फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है। और अपने खाने को टेस्टी बनाने के लिए हम उसमें अलग अलग स्पाइसेस डालते हैं ना, जैसे रेड चिली पाउडर, ठीक है, कमिन मतलब जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर। तो ये सारी चीज़ें भी हमें कहाँ से मिलती हैं, प्लांट से मिलती हैं। एनिमल्स एज सोर्स ऑफ फूड, ठीक है, अब हम एनिमल्स को देखेंगे एज अ सोर्स ऑफ फूड। एनिमल्स आर द अदर मेजर सोर्स ऑफ फूड फॉर अस, एनिमल्स जो हैं वो भी हमारे लिए फूड का बहुत बड़ा रिसोर्स है। वी ईदर ईट द प्रोडक्ट्स दैट वी गेट फ्रॉम द एनिमल्स और यूज देम एज अ सोर्स ऑफ मीट, ठीक है। हम या तो जो एनिमल प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जैसे मिल्क, चीज़, पनीर, ये सब हम कंज्यूम करते हैं, या तो एनिमल का मीट ही हम फूड की तरह कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, ठीक है। काउज, गोट्स एंड बफेलोज गिव्स अस मिल्क, काउ, गोट और बफेलो हमें क्या देते हैं, मिल्क देते हैं। मिल्क इज़ ऑल्सो यूज टू मेक मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक कर्ड, चीज़, पनीर, घी एंड बटर, ठीक है। तो जो मिल्क होता है उससे क्या क्या बनता है, मिल्क प्रोडक्ट जैसे दही, चीज़, पनीर, घी और बटर, ठीक है। हैन एंड डक्स गिव्स अस एग, दे ऑल्सो गिव्स अस मीट, ठीक है। हैन और डक हमें एग देते हैं, हम एग भी खाते हैं और हैन और डक को भी मीट की जैसे यूज़ करते हैं। वी गेट मीट फ्रॉम गोट्स, ठीक है, गोट्स में से भी हम मीट ले सकते हैं, ठीक है, कुछ लोग गोट्स भी खाते होंगे। वी गेट हनी फ्रॉम हनी बीज, ठीक है, हनी बी मतलब मधुमक्खियों से हमें हनी मिलता है। शहद, फिश, प्रॉन्स एंड लॉबस्टर्स आर ऑल्सो ईटन एज फूड, ठीक है। और फूड की तरह हम और क्या खाते हैं, फिश, प्रॉन और लॉबस्टर्स, ठीक है। द पीपल हु ईट प्लांट प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड वेजिटेरियन एंड द पीपल हु ईट मीट, फिश एंड एग्स आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन, ठीक है। तो जो लोग सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम वेजिटेरियन कहते हैं। और जो प्लांट प्रोडक्ट के साथ ही साथ एग और मीट भी खाते हैं उन्हें हम नॉन वेजिटेरियन कहते हैं, ठीक है। नाउ न्यूट्रिएंट्स दैट वी गेट फ्रॉम फूड, अब हमें फूड से कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। वी गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड वी ईट, ठीक है, हम जो भी खाना खाते हैं उससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स आर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन और मिनरल जो है ये अलग अलग न्यूट्रिएंट है जो हमें फूड से मिलता है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर अस टू ग्रो, स्टे फिट एंड फाइट अगेंस्ट डिसीजेस, ठीक है। और यही न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को ज़रूरी होते हैं हमारी बॉडी ग्रो करने के लिए, ठीक है, फिट रहने के लिए और डिसीजेस बीमारियों से लड़ने के लिए। लेट अस सी विच आर द एसेंशियल फूड आइटम्स फॉर अस, आइए हम नेक्स्ट पेज में हमारे लिए जो एसेंशियल फूड आइटम्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। नाओ एनर्जी गिविंग फूड, ठीक है, ऐसे फूड जिनसे हमें एनर्जी मिलती है। राइस, चपाती, ब्रेड, शुगर एंड पोटैटो कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स दैट प्रोवाइड अस एनर्जी, ठीक है। हमारी बॉडी को एनर्जी किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। कार्बोहाइड्रेट मेन सोर्स होता है एनर्जी का, और ये किससे मिलता है, राइस से, चपाती से, ब्रेड से, शुगर से और पोटैटो से, ठीक है। इसलिए बोलते हैं जिसको पतला होना है वो क्या नहीं खाता है, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाता है, ठीक है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर एंड घी ऑल्सो प्रोवाइड अस एनर्जी, इसके अलावा जो मिल्क से बने प्रोडक्ट होते हैं जैसे बटर और घी, इससे भी हमें एनर्जी मिलती है। द मोर फिजिकल वर्क वी डू द मोर एनर्जी वी नीड, ठीक है, हम जितना ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं उतनी ज़्यादा एनर्जी हमें चाहिए होती है। इफ़ वी रन एंड प्ले एवरी डे वी नीड टू ईट अ लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। अगर हम हर दिन रन करते हैं, ठीक है, और खेलते हैं तो हमें हर दिन कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है। बॉडी बिल्डिंग फूड, अब देखते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। मिल्क, एग, फिश, बीन्स, नट्स, पल्सेस एंड मीट, चीज़, सोयाबीन एक्सेट्रा कंटेन्स प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीन किस में होता है, मिल्क में, एग में, फिश में, ठीक है, बीन में, नट्स में, पल्सेस में और चीज़ में और सोयाबीन में।
तो ये सारे फूड कैसे होते हैं, बॉडी बिल्डिंग आइटम होते हैं, मतलब इससे हमारी बॉडी बिल्ड होती है। दिस हेल्प्स अस टू ग्रो एंड ऑल्सो हेल्प इन रिपेयरिंग इंजर्ड बॉडी पार्ट। ठीक है, ये हमारी बॉडी ग्रो तो करते ही हैं, साथ ही साथ हमारी बॉडी जो इंजर्ड बॉडी पार्ट है उसको भी रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। नाउ प्रोटेक्टिव फूड, ठीक है, नाम से ही समझ आ रहा है, ऐसे फूड जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे डिसीजेस से। ठीक है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स फ्रूट्स मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स गिव्स अस मिनरल्स एंड विटामिंस। ठीक है, तो जो ग्रीन लीफी मतलब जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती है, ठीक है, फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, ये हमें क्या देते हैं, मिनरल्स और विटामिंस। ठीक है, दीज ऑल आर प्रोडक्टिव फूड आइटम और इन्हें ही हम प्रोटेक्टिव फूड आइटम कहते हैं। दीज फूड आइटम्स हेल्प अस इन फाइटिंग अगेंस्ट अ नंबर ऑफ डिसीजेज। ठीक है, और ये जो फूड आइटम है ये हमें बीमारियों से लड़ने में हेल्प करते हैं। इट इज़ असेंशियल टू ईट दीज फूड आइटम्स इन द राइट अमाउंट टू स्टे फिट एंड हेल्दी। ठीक है, तो हमें हमारी बॉडी को फिट रखने के लिए जितना रिक्वायर्ड अमाउंट होता है, ठीक है, राइट अमाउंट खाना ज़रूरी होता है इन प्रोटेक्टिव फूड आइटम्स का। ठीक है, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा खा लिया और हो गया, एक प्रॉपर अमाउंट हमारी बॉडी में डेली जाना चाहिए, तभी हमारी बॉडी को डिसीजेस से लड़ने की कैपेसिटी मिलेगी। नाउ हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, ठीक है, अब हमें हम देखते हैं हेल्दी ईटिंग हैबिट्स क्या होती है। ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड सलाड्स। ठीक है, तो सबसे पहले बहुत सारे फल वेजिटेबल्स और सलाद खाना चाहिए। च्यू योर फूड स्लोली एंड प्रॉपरली, हमें हमारा खाना धीरे धीरे और चबा चबा कर खाना चाहिए। डू नॉट ओवर ईट, हमें बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। अवॉइड जंक फूड लाइक बर्गर चिप्स सॉफ्ट ड्रिंक्स एट्सेट्रा। ठीक है, जंक फूड जैसे बर्गर चिप्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। डू नॉट ईट अनकवर्ड फूड, ठीक है, खुला हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। अवॉइड ईटिंग फ्राइड फूड, ठीक है, बहुत ज़्यादा तला हुआ खाना भी नहीं खाना चाहिए। ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, बहुत सारा पानी पीना चाहिए क्योंकि पानी से ही हमारा जो फूड है वो ईजिली डाइजेस्ट होता है। ठीक है, कुकिंग, देर आर सम फूड आइटम्स विच कैन बी ईटन रॉ एंड अदर्स विच नीड टू बी कुक बिफोर ईटिंग। ठीक है, बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स हैं, ठीक है, जिनमें से कुछ को हम रॉ मतलब कच्चा ही खा सकते हैं, लेकिन कुछ को बिना कुक किए हुए नहीं खा सकते। द फूड आइटम्स दैट कैन बी ईटन रॉ आर क्यूकम्बर कैरेट फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स। तो ऐसे फूड आइटम्स जिन्हें हम रॉ ही खा सकते हैं मतलब कच्चा खा सकते हैं, वो कौन कौन से हैं, क्यूकम्बर मतलब ककड़ी, कैरेट यानी गाजर, ठीक है, फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स। द फूड आइटम्स दैट आर कुक बिफोर ईटिंग आर सीरियल्स पल्सेस मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स लाइक लेडी फिंगर ब्रिंजल पोटैटो एट्सेट्रा। ठीक है, और ऐसे फूड आइटम्स जिन्हें खाने से पहले हमें कुक करना ज़रूरी होता है वो कौन कौन से हैं, सीरियल्स मतलब जो अनाज होते हैं, ठीक है, पल्सेस मतलब दाल, मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स, ठीक है, बहुत सारी वेजिटेबल्स जैसे लेडी फिंगर यानी भिंडी, ब्रिंजल यानी बैंगन, ठीक है, और पोटैटो। फूड इज़ कुक्ड इन मैनी डिफरेंट वेज, ठीक है, फूड जो है वो बहुत अलग अलग तरीके से कुक किया जाता है। ठीक है, जितने लोग हैं सभी अपने तरीके से फूड बनाते हैं, जैसे किसी के घर स्पाइसी खाना बनता है क्योंकि वहाँ के लोगों को स्पाइसी पसंद होता है, ठीक है, कोई ज़्यादा मिर्च मसाला पसंद नहीं करता तो उनके यहाँ पे लाइट फूड कुक होता है। ठीक है, कुकिंग आल्सो किल्स द जर्म्स, कुक करने से क्या होता है, अगर जर्म्स रह गए हैं, ठीक है, किसी भी फूड आइटम के अंदर जर्म्स हैं तो वो भी मर जाते हैं। ठीक है, क्यों मरते हैं, क्योंकि हम उसको इतने हाई टेम्परेचर में कुक करते हैं कि वो उसमें जल के मर जाता है। इट ऑल्सो मेक्स द फूड सॉफ्टर टेस्टियर एंड ईजियर टू डाइजेस्ट। कुकिंग करने से क्या होता है, हमारा जो फूड है वो सॉफ्ट हो जाता है और टेस्टी हो जाता है और ईजिली डाइजेस्ट भी हो जाता है। बट इफ़ इट इज़ ओवर कुकड मच ऑफ द न्यूट्रिएंट्स आर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, कुक करना तो ज़रूरी है लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर कुक मतलब बहुत ज़्यादा कुक भी नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा कुक करने से क्या होते हैं, क्या होता है, फूड आइटम्स में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। समटाइम्स वाटर इज़ एडेड टू फूड वाइल कुकिंग। ठीक है, कभी कभी कुकिंग करने के समय फूड में पानी भी मिलाते हैं। मैनी न्यूट्रिएंट्स पास फ्रॉम द फूड्स इनटू दिस वाटर। ठीक है, तो जो पानी मिलाने से क्या होता है, जो फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, वो पानी में आ जाते हैं। सो दिस वाटर शुड नेवर बी थ्रोन अवे। ठीक है, इसलिए कभी भी कुक्ड फूड में से
पानी अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी के साथ साथ उसमें जो भी ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी अलग हो जाएंगे। सम वेजिटेबल्स डू नॉट रिक्वायर वाटर टू बी एडेड फॉर कुकिंग लाइक लेडी फिंगर्स। कुछ ऐसी वेजिटेबल्स होती हैं जिनको कुक करने के समय पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे लेडी फिंगर। ठीक है, डिफरेंट वेज ऑफ कुकिंग। अब देखते हैं कुकिंग के कौन कौन से तरीके हैं। स्टीमिंग, इन दिस मेथड फूड इज कुक्ड यूजिंग द स्टीम ऑफ द बॉइलिंग वाटर। ठीक है, स्टीमिंग में क्या होता है, जैसे इडली ढोकला बनाते हैं, आपने घर में देखा होगा अपनी मम्मा को, क्या करते हैं पहले कंटेनर में थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, उसके ऊपर इडली का बैटर रखते हैं, है ना, सांचे में इडली रख के ढक्कन बंद कर देते हैं, तो वो धीरे धीरे स्टीम में पक जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ फ्राइंग। इन दिस मैथड फूड इज़ डायरेक्टली फ्राइड इन हॉट ऑयल। ठीक है, फ्राइंग में हम क्या करते हैं, जो खाना है वो हॉट ऑयल में फ्राई करते हैं। ठीक है, जैसे पूरियाँ तलते हैं, समोसे कचौरियाँ तलते हैं, ठीक है, तो ये सब क्या है, फ्राइंग है। फ्राइंग इज़ डन इन थ्री वे, डीप फ्राइंग। ठीक है, फ्राइंग भी तीन तरीके से होता है, एक डीप फ्राइंग, एक शैलो फ्राइंग और एक स्टर फ्राइंग। तो डीप फ्राइंग में क्या होता है, व्हेन फूड इज़ फ्राइड इन लॉट्स ऑफ ऑयल। ठीक है, तो डीप फ्राइंग में बहुत ज़्यादा तेल में फूड जो है वो फ्राई होता है, जैसे पूरी और समोसे कचौरियाँ बनाते हैं। शैलो फ्राइंग, जब जो फूड है वो बहुत कम तेल में फ्राई होता है। ठीक है, जैसे तवे में हम क्या करते हैं कि जैसे आपने गुपचुप और चाट की दुकान में देखा होगा, जो आलू की टिकिया होती है वो कैसे होती है, शैलो फ्राई होती है ना, मतलब तवे में ही थोड़ा सा तेल डाल के उसको शैलो फ्राई किया जाता है। नेक्स्ट इज़ स्टर फ्राइंग, जैसे हम पराठे बनाते हैं ना, तो स्टर फ्राइंग में क्या होता है, थोड़े से बहुत कम तेल की ज़रूरत होती है। ठीक है, मतलब ऊपर ऊपर से तेल लगाया जाता है और उसको सेक दिया जाता है। नेक्स्ट इज़ रोस्टिंग। इन दिस मैथड द फूड इज़ कुक डायरेक्टली ऑन फायर और इन ओवन। ठीक है, रोस्टिंग क्या मेथड होता है, इसमें जो फूड है वो सीधे फायर यानी आग में या ओवन में पकाया जाता है। ठीक है, इसमें पानी वगैरह नहीं डालते। चिकन मीट एंड सम वेजिटेबल्स लाइक ब्रिंजल कैन बी कुक बाय दिस मेथड। ठीक है, तो रोस्टिंग मेथड से कौन कौन से फूड कुक कर सकते हैं, ब्रिंजल, ठीक है, और चिकन और मीट। नेक्स्ट इज़ बेकिंग। इन दिस मेथड फूड इज़ कुक्ड इन बिग ओवन और माइक्रोवेव। ठीक है, इस मेथड में क्या होता है, जो खाना है हम किस में पकाते हैं, माइक्रोवेव में या बिग ओवन में। मैनी थिंग्स लाइक केक, कुकी, ब्रेड, बिस्किट आर प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। ठीक है, तो बेकिंग से हम क्या क्या बनाते हैं, केक बनाते हैं, कुकीज़ बनाते हैं, ब्रेड और बिस्किट भी बनाते हैं। नेक्स्ट इज़ बॉइलिंग। इन दिस मेथड द फूड इज़ कुक्ड इन बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग में क्या होता है, जो खाना है, जो फूड है वो बॉइलिंग वाटर में हम कुक करते हैं। जैसे हम चावल बनाते हैं, ठीक है, वेजिटेबल्स बनाते हैं और एग बॉईल करते हैं, तो ये सब बॉइलिंग मेथड से बॉईल होता है, कुक होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ ग्रिलिंग। इन दिस मेथड फूड इज़ कुक्ड ओवर हीट इन अ ग्रिलर, सैंडविच, पनीर, मीट एक्सेट्रा कैन बी ग्रिल। ठीक है, तो ग्रिलिंग में क्या होता है, देखो पिक्चर में देख रहे हो कि डायरेक्ट हीट में हम इसको ग्रिल करते हैं, यानी पकाते हैं। ठीक है, तो जो सैंडविचेस होते हैं, पनीर और मीट होते हैं, वो ऐसे ही इसी मेथड से हम कुक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ कुकिंग इक्विपमेंट। अब देखो कुकिंग के अलग अलग मेथड तो हमने देखे, अब इन अलग अलग मेथड्स में अलग अलग इक्विपमेंट यानी चीज़ें भी यूज़ होती है उसको कुक करने के लिए। ठीक है, तो वी यूज़ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोव्स फॉर कुकिंग फूड। अलग अलग तरीके के स्टोव हम कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं। मैनी ईयर्स अगो अ क्ले स्टव कॉल्ड चूल्हा वर यूज फॉर कुकिंग। ठीक है, तो बहुत सालों पहले जो चूल्हा होता है, ठीक है, वो हम कुकिंग के लिए यूज़ करते थे। ये मिट्टी का बना होता था। वी यूज़ माइक्रोवेव ओवन, कैरोसिन स्टोव, इंडक्शन प्लेट, LPG गैस स्टोव, तंदूर चूल्हा एक्सेट्रा फॉर कुकिंग। ठीक है, इसके अलावा हम और क्या क्या यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए, माइक्रोवेव ओवन, कैरोसिन स्टोव मतलब जो मिट्टी का तेल भर के जो स्टोव जलाते थे वो, इंडक्शन प्लेट, ठीक है, LPG गैस स्टोव जो नॉर्मली हमारे किचन में होता है, और तंदूर चूल्हा। ठीक है, अब देखिए एक और है, यहाँ पे पिक्चर भी है, देखो माइक्रोवेव कैसा दिखता है, गैस स्टोव कैसा दिखता है। अब है सोलर कुकर। सोलर कुकर कैन बी यूज फॉर कुकिंग। ठीक है, सोलर कुकर से भी हम कुकिंग कर सकते हैं। इट इज़ द मोस्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली वे ऑफ कुकिंग। ठीक है, ये जो है कुकिंग का बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल फ्रेंडली वे है। एनवायरमेंट फ्रेंडली वे मतलब इसमें किसी भी तरह का पोल्यूशन नहीं होता। हम बाकी चीज़ें जलाते हैं जैसे LPG, केरोसिन चूल्हा, ठीक है,
केरोसिन स्टोव, तो इन सब में क्या होता है, धुआं निकलता है, ठीक है, उससे हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान हो सकता है। लेकिन जो हमारा सोलर कुकर होता है उससे किसी भी तरह का धुआं नहीं निकलता, ना ही राख निकलता है, ठीक है। और सोलर कुकर यूजेज़ द हीट ऑफ द सन फॉर कुकिंग फूड, ठीक है। तो सोलर कुकर क्या करता है, जो सन की हीट होती है सिर्फ उसी को यूज़ करके खाना कुक कर देता है। फ्यूल्स यूज फॉर कुकिंग फूड, अब फूड कुक करने के लिए कौन कौन से फ्यूल यूज़ होते हैं, देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल यूज फॉर कुकिंग फूड, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग फ्यूल हैं जिसका हम खाना पकाने में यूज़ करते हैं, जैसे फायरवुड, ठीक है, जलाने वाली लकड़ी, कोल, काउडंग केक्स, मतलब ये देखो कंडा जिसको बोलते हैं, है ना, केरोसिन, इलेक्ट्रिसिटी, एलपीजी एंड सोलार एनर्जी, तो ये अलग अलग फ्यूल हैं। अर्लियर पीपल यूज फायरवुड एंड काउडंग केक्स टू कुक फूड ऑन चूल्हास, ठीक है। तो पहले जब चूल्हा जलाते थे तो उसमें क्या क्या यूज़ करते थे, मेनली फायरवुड यानी लकड़ी और गोबर के कंडे यूज़ करते थे। यूटेंसिल्स यूज फॉर कुकिंग फूड, अब देखो खाना पकाने के लिए अलग अलग बर्तन भी चाहिए होते हैं, ठीक है, अलग अलग खाना पकाने के लिए अलग अलग बर्तन चाहिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेसल्स आर यूज फॉर कुकिंग, तो अलग अलग बर्तन यूज़ होते हैं। कुकिंग वेसल्स आर कॉल्ड यूटेंसिल्स, और जिसमें हम खाना पकाते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, यूटेंसिल्स कहते हैं। इन द पास्ट यूटेंसिल्स वर मेड ऑफ क्ले, ब्रास एंड ब्रोंज, ठीक है। तो पहले के ज़माने में जो बर्तन हैं वो किसके बने होते थे, मिट्टी के, ब्रास के और ब्रोंज के बने होते थे। नाउअडेज यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ स्टील, कॉपर, ग्लास एंड एल्यूमिनियम, ठीक है। लेकिन अभी जो यूटेंसिल्स हैं वो स्टील के, कॉपर के, ग्लास और एल्यूमिनियम के बनते हैं। मैनी पीपल यूज़ प्रेशर कुकर टू कुक राइस, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड मीट, बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रेशर कुकर में दाल, चावल, ठीक है, और सब्जियां और मीट वगैरह बनाते हैं। इट सेव्स टाइम एंड एनर्जी, इससे क्या होता है, खाना जल्दी बन जाता है, ठीक है, तो एनर्जी और टाइम दोनों ही सेव होता है। वी ऑल्सो यूज़ नॉन स्टिक यूटेंसिल्स विथ स्पेशल कोटिंग, ठीक है। इसके अलावा नॉन स्टिक यूटेंसिल्स भी यूज़ करते हैं, ठीक है, ब्लैक कलर का जो होता है, ठीक है, उसमें स्पेशल कोटिंग होती है। द फूड कैन बी कुक्ड विद वेरी लिटिल और नो ऑयल, तो नॉन स्टिक पैन में क्या होता है कि बिना तेल के भी आप खाना कुक कर सकते हो, क्योंकि उसमें लेयर होती है, स्पेशल कोटिंग होती है, जिससे खाना जो है वो चिपकता नहीं है। ईटिंग विद द फैमिली, अर्लियर मोस्ट ऑफ द फैमिली इज़ यूज टू ईट टुगेदर, पहले बहुत सी फैमिली जो है वो खाने के समय एक साथ ही होती थी। टुडे एवरीवन इज़ बिज़ी विद देयर ओन वर्क, और आजकल क्या होता है, सभी अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। सो मोस्ट ऑफ द फैमिलीज मैनेज टू ईट एटलीस्ट वन मील ऑफ द डे टुगेदर, ठीक है। तो इसलिए बहुत सी फैमिलीज़ में ये रूल बना हुआ है, या लोग आपस में ये डिस्कस करके रखते हैं कि कम से कम दिन का एक बार का खाना सभी फैमिली मेम्बर साथ में खाएंगे। ईटिंग टुगेदर इन अ फैमिली गिव्स अस अ सेंस ऑफ लव, अफेक्शन, केयर एंड सेंस ऑफ टुगेदरनेस, एक साथ खाना खाने से क्या होता है, आपस में प्यार बढ़ता है, ठीक है, एक दूसरे की केयर बढ़ती है और एक साथ रहने का सेंस भी आता है, मतलब समझ आती है, ठीक है। मतलब जो बच्चे हैं जब वो देखते हैं कि दादा दादी, मम्मी पापा, ठीक है, भाई बहन सब एक साथ खाना खा रहे हैं, तो उनमें भी एक फैमिली के साथ रहने का मन करता है, ठीक है। एल्डर्स इन द फैमिली समटाइम्स प्रिफर टू ईट सिंपल फूड, तो जो घर के बड़े बूढ़े होते हैं वो मोस्टली सिंपल खाना खाना पसंद करते हैं, मतलब कम ऑयल का, कम मिर्च मसाले वाला। बेबीज ड्रिंक ओनली मिल्क एज दे डू नॉट हैव टीथ, ठीक है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो सिर्फ दूध पीते हैं क्योंकि उनके पास दांत नहीं होते। विथ चेंजिंग टाइम्स ईटिंग हैबिट्स अमंग एडल्ट एंड चिल्ड्रन हैव ऑल्सो चेंज, ठीक है। तो समय के साथ साथ लोगों की खाने की आदतें भी बदली है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड विच फूड इज़ हेल्दी एंड विच इज़ नॉट, ठीक है। तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा फूड हमारे लिए हेल्दी है और कौन सा हेल्दी नहीं है, ठीक है। हेल्दी फूड खाने से ही हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और हमारी बॉडी ग्रो करती है। ऐसे खाना खाने से क्या मतलब, जिसे सिर्फ पेट भरता है और हमारे शरीर का भी नुकसान होता है, ठीक है, मोटापा बढ़ेगा, ठीक है, चर्बी बढ़ जाएगी, वज़न बढ़ेगा, तो ऐसा फूड खाने से क्या मतलब। एनिमल्स ऑल्सो नीड फूड, ठीक है, इंसानों की तरह एनिमल्स को भी फूड चाहिए होता है। जस्ट लाइक अस एनिमल्स टू नीड फूड टू लिव, ग्रो एंड स्टे हेल्दी, ठीक है, उन्हें भी फिट रहने के लिए, ग्रो करने के लिए फूड चाहिए होता है। पेट एनिमल्स ईट फूड स्पेशली प्रिपेयर्ड फॉर देम, तो जो पेट एनिमल होते हैं, मतलब घर में जब जो हम डॉग और कैट पालते हैं, तो उनके लिए स्पेशल खाना बनता है। दे ऑल्सो ईट फिश एंड मीट, ठीक है, तो उसके अलावा वो फिश और मीट भी खाते हैं।
बर्ड्स लाइक पैरट एंड मैनास ईट फ्रूट्स ग्रेन्स एंड नट्स, ठीक है। तो जो बर्ड्स होते हैं जैसे पैरट और मैना, वो लोग फ्रूट खाते हैं, ग्रेन्स खाते हैं और नट्स भी खाते हैं। काउज एंड बफेलोज ईट वेजिटेबल पील्स ग्रास एंड लीव्स। तो काऊ और बफेलो होते हैं वो सब्जियों के छिलके खाते हैं, घास खाते हैं, पत्तियाँ खाते हैं। दे ऑल्सो ईट राइस ब्रैन, ठीक है, और कभी कभी चावल का भूसा वो भी खा लेते हैं। हैंस ईट सीड्स एंड ग्रेन्स, हैं जो है मुर्गियाँ जो है वो बीज और अनाज खाती हैं। दे ऑल्सो ईट स्मॉल वर्म्स, और उसके अलावा वो बहुत छोटे छोटे कीड़े भी खाती हैं, ठीक है। तो ये था हमारा फूड हैबिट।